السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق فصوى والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمره، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور دوستو، انسان اندر کی سوچ سے چلتا ہے، اس کے گلے میں رسی ڈال کے اسے کھینچا نہیں جا سکتا، اس کو ڈنڈے سے، طاقت سے، باہر کی قوتوں سے، جیسے جانور سے کام لیا جاتا ہے، اس سے کام نہیں لیا جا سکتا. یہ جو اپنا منصوبہ بناتا ہے، جو زندگی کا طرز بناتا ہے، جس طرز کو یہ پسند کرتا ہے، کسی کو ناپسند کرتا ہے، وہ سب اس کے اندر کی سوچ ہوتی. جو اس کا اندر فکس ہو جاتا ہے، اس کے مطابق یہ باہر چلنا شروع کر دیتا ہے. باہر دو طاقتیں ہیں، ایک غلط ایک صحیح. فَهَدَيْنَا مَنْ نَجْدَيْنَ، دو راستے ہیں، ایک غلط ہے ایک صحیح. باقی جتنی مخلوق ہے وہ نہ غلط کرتی ہے نہ ان کے اندر غلط جاتا ہے. انسان کے علاوہ جتنی مخلوق، نہ وہ غلط کرتے ہیں نہ ان کے اندر غلط فیڈ ہو سکتا. آپ سیب کو جتنا مرضی سیب کے درخت کو سمجھاؤ کہ مجھے آم نکال کے دو، وہ سیب ہی نکالے گا، آم نہیں نکالے گا. نباتات کی مثال دے دوں، آپ کریلے کی جتنا مرضی محنت کرو کہ میٹھا ہو جائے، وہ کڑوا ہی رہے گا، میٹھا نہیں ہو سکتا. ان کے اندر نہ غلط جاتا ہے نہ وہ غلط کرتے ہیں. جتنی مخلوق ہے ساری انسان کے سوا، آپ شیر کے آگے پلاؤ رکھ دو اور اس کے منتیں شروع کر دو، کھا لو، بڑی محنت سے پکائے، میرا پرہیز.
उसके आगे गोश्त रखो तो वो खाएगा, पका हुआ रखो तो नहीं खाएगा, क्या वो तू खा मुझे कच्चा ना के। ना गलत जाता है उसके अंदर ना वो गलत करता है। बकरी के आगे आप गोश्त रख दो, वो इधर मुंह करके बैठ, जितने मर्जी डंडे मार लो नहीं खाएगी। घास रखो तो मुंह मारना शुरू कर देगी। कि इंसान के अलावा जितनी मखलूक है ना गलत करती है ना उनके अंदर गलत फील हुआ हुआ है। इंसान एक मखलूक है। फअलहमहा फुजूरहा वतक्वाहा, तेरे अंदर दोनों ताकतें डाल दी है, गलत करने की भी ठीक करने की। डॉक्टर पढ़ा लिखा जी, शुगर का मरीज, उसके आगे मिठाई रखो जरूर खाएगा। उसको एक आम आदमी को तो नहीं पता कि बदपरहेजी से क्या 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 असरात मुरतब होते हैं। डॉक्टर को तो पता है क्या क्या होता है, वो फिर भी अपने सामने मिठाई आए तो खाएगा। अलहमहा फुजूरहा वतक्वाहा, दोनों ताकतें मौजूद हैं गलत करने की भी ठीक करने की। ये तो एक मादी मिसाल दी है, उसका जिस्म पर गलत असर पड़ता है। ये जबान है, इसे ये सच भी बोल सकता है झूठ भी बोल सकता है। झूठ बोलने का जिस्म पे कोई असर नजर नहीं आता, लेकिन रूह दागदार हो जाती, रूह पे स्याही छा जाती। सच बोलने का कोई जिस्म पे असर नजर नहीं आता, लेकिन है। जैसे बदपरहेजी का जिस्म पे असर है, परहेज का जिस्म पे असर है, गुनाह और नेकी का जिस्म पे नहीं रूह पे असर पड़ता। सच बोलने से नूरानियत फैलती। एक और हदीस के साथ सुना था, आपसे पूछा गया या रसूल अल्लाह क्या मुसलमान बुजदिल हो सकता है? आपने कहा हो सकता है। तो फिर उन्होंने पूछा क्या मुसलमान कंजूस हो सकता है? कहा हाँ हो सकता है। फिर उसने पूछा क्या मुसलमान झूठ बोल सकता है? कहा नहीं झूठ नहीं बोल सकता। मेरा उम्मती हर ऐब मुमकिन है कर जाए, झूठ नहीं बोल सकता। फिर आपने कहा असित कयूम जीव बल्कि गुजू लिख, सच नजात देता है झूठ हलाक करता है। तो ये झूठ भी बोल सकता है सच भी बोल सकता है। चलता अंदर की ताकत से है, बाहर की ताकत से नहीं। अंदर में एक चीज फिट हो चुकी है कि पैसे से काम बनते हैं। आप अपने अपने मुल्क छोड़ के यहां बैठे, कोई हिंदुस्तान से, कोई पाकिस्तान से, कोई बांग्लादेश से, पूरी दुनिया से लोग खिंच के आए बैठे हैं कि जहां ज्यादा पैसा मिलता है हम आ जाएंगे कि हमारे काम अच्छे बनेंगे। तो अंदर की सोच इंसान को चलाती है, वो गलत फिट हो जाए तो गलत चलता है, वो सही फिक्स हो जाए तो वो सही चलता है, फिर वो हर चीज से टक्कर ले लेता है। सोच बन जाए। फिरौन दुनिया में वाहिद इंसान गुजरा है जिसने कहा मैं खुदा। सजदा तो बड़े लोगों ने करवाया, कई मुसलमान बादशाह भी सजदे करवाते थे पागल, लेकिन मैं खुदा हूं ये दावा एक इंसान ने किया और वो फिरौन है। अना रब्बुकुम अल आला का छोटा मोटा भी नहीं, सबसे बड़ा। उसकी बांदी मुसलमान हो गए। अब औरत कमजोर और बांदी हो तो और कमजोर। जर्फ खरीदी हुई, खरीद मैंने लोग खरीदे जाते थे बेचे जाते थे जंगों में, तो वो खरीदी हुई। फिरौन को पता चल गया कि ये तो मुसलमान हो गई, उसने पकड़वा ली। उसकी दो बच्चियां वो भी बुलाई, एक दूध पीती एक साथ चलती। तो उसने आग जलवाई, ऊपर एक बड़ा बहुत बड़ी देग रखी कड़ा, उसमें तेल डाला। जब उसे खोलने लगा तो उसे कहने लगा अब अगर तू मुझे रब मानती है तो जिंदगी भी मुबारक, बच्चे भी मुबारक और तेरा घर भर दूंगा सोने से। अगर मुझे रब नहीं मानती है तो पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा फिर तुझे जलाऊंगा, अब तू सोच ले क्या करना है। तो एक सोच ये है कि पैसा आएगा मेरे काम बनेंगे, तो उसके लिए झूठ बोलना, नमाज छोड़ना, धोखा देना, फ्रॉड करना कोई मसला नहीं, क्योंकि पीछे जहन है कि पैसा आएगा तो काम बनेगा। एक जहन ये है कि मुझे अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह राजी होगा तो मेरे काम बनेंगे, मेरा अल्लाह मेरा साथी बनेगा तो मेरे काम बनेंगे। तो अपने आप सोच बदलेगी तो तरीका भी बदल जाएगा। यहाँ ये सोच बन गई है कि मुझे अल्लाह को राजी करना है,
तो उसने कहा कि मेरी दो हैं, मेरे पास 100 भी होती तो अल्लाह पे कुर्बान कर देता। तो उन्होंने पहले बच्ची को पकड़ा जो चलती थी, उसने शोर मचाया, माँ माँ कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, माँ के आगे बच्ची जलने जा रही हो, औरतें सुन रही हैं, तो किस माँ का जिगर है जो ये देख सके, ये बर्दाश्त कर सके। ईमान बहुत अच्छी है। तो उन्होंने सामने डाल दिया से जैसे मछली को नहीं तेल में डालते तो फ्राई होती है, तो ऐसे एकदम पूरी फ्राई हो गई, तो जल पे कोयला हुई। तो जब माँ का कलेजा फटा बम से, एक आंसू नहीं टपका, सबर तस्वीर अंदर तो अंदर ही फटा। कम अगर सबर का वक्त सामो का साहिबा लम्मा रहा हुआ फिल हशा माला योरा। तो अंदर जब फटा तो अल्लाह पाक की रहमत जोश में आई और अल्लाह ने ऐसे गैब का पर्दा हटाया और माँ ने अपनी बच्ची की रूह को निकलते देखा। वो मुस्कुराती हुई करी, अम्मा सबर सबर, बस अभी इकट्ठे होने वाले, अभी इकट्ठे हो जाए। फिर उन्होंने मासूम को खींचा जिसको पता भी नहीं मेरे साथ क्या होने वाला, उसकी तो आह भी ना निकली और वो तली गई और कोयला बन गई। और माँ खड़ी हुई, एक बोल पे बचा सकती, एक बोल कुफर का बोल लेती और घर जाके तौबा कर लेती तो रास्ता मौजूद है, रास्ता मौजूद है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब अल्लाह पे मर मिटना उसको ज्यादा महबूब हो जाता है। तो जब इसको पकड़ने लगे तो उसने कहा मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगे? फिर उन्होंने पूछा क्या? कहा जब मुझे भी जला दो तो हमारी हड्डियां, मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को एक जगह इकट्ठा दबा देना, बाहर ना फेंकना, कहीं दबा देना। तो फिरौन ने कहा यह ख्वाहिश पूरी की जाएगी, उसको भी जला दिया, हड्डियां दबा दी। हमारे और हमारे नबी और मूसा अलैहिस्सलाम में 2000 साल का फासला, 40 साल नबूवत के, 40 साल हो गए, 10 साल बाद मेराज, 50 साल, 2000 पे 50 साल गुजर चुके हैं। जब आपकी सवारी फलस्तीन पर पहुंची, आप मेराज के लिए जा रहे हैं, मक्का से उठाया, मदीना पहुंचाया, दो नफल पढ़ाए, फिर फलस्तीन पहुंचाया, तो वहां से मिस्र करीब हो जाता है, तो वहां से आपको जन्नत की खुशबू आई। तो आपने जबरील से पूछा माली अशुम मुरी जन्नत, ये क्या हुआ, मुझे जन्नत की खुशबू आ रही, कहां से आ रही? तो जबरील ने बताया या रसूल अल्लाह, फिरौन की बांदी अपनी बेटियों समेत जहां दफन है ये खुशबू वहां से आ रही, जिस दिन दफन किया था उस दिन से आज तक ये आ रही और ये आसमान पर जाती है। कितना जमाना गुजर चुका है, 2000 साल पे 50 बरस मजीद गुजर चुके हैं और वो खुशबू आज तक वैसी ही आ रही है। तो अब इस औरत को इतनी बड़ी कुर्बानी पे किस चीज ने उठाया? सोच, ज़ेन बन गया कि मुझे अल्लाह को राजी करना है। तो भाइयों, अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्तों के हाथ में डंडे होते, जो झूठ बोलता एक सर में पड़ता, जो नमाज में पढ़ता एक उसकी कमर पे पड़ता, जो रोजा ना रखता उसको कान पकड़ा देते, जो जिना करता उसको उल्टा लटका देते, जो शराब पीता उसका मुंह काला करके बाजारों में फिरवाते। लगो ताकत है, फरिश्ते ना उतारते, खाली उसका अमर उतरता। लेकिन भाइयों, उसने खलक अल मौत वल हयात लियब्लुकुम अय्युकुम अहसन अमला, का हमने जिंदगी और मौत का निजाम बनाया चलाया है, हम इसमें देखेंगे कि अल्लाह को राजी कौन करता है और अपने मन को राजी कौन करता है। तो लिहाजा अल्लाह भी जहन साजी करता है, नबियों के जरिए से जहन बनाता है, इस कायनात का एक मालिक है, दो नहीं तीन नहीं एक, एक उसका नाम है अल्लाह। ये अल्लाह जहन साजी करता है, इस कायनात का बनाने वाला एक है खालिक। खालिक किसे कहते हैं? एक होता सानिया, एक होता खालिक। सानिया
इंसान तारिक जमी भी हो सकता है, आप ही में भी बनाने वाला, खालिक भी कहते हैं बनाने वाला, लेकिन अरबी में फर्क हो जाता है। साने उसको कहते हैं जो मटेरियल से शय बना, ये मिंबर है, ये लकड़ी से बनाया गया, इसके बनाने वाले को खालिक नहीं कह सकते, साने कहते हैं। ये रॉड लोहे से बना हुआ है, तो इसके बनाने वाले को कहेंगे साने, सनत नहीं कहते, सनत हरफत सनात, खालिक नहीं कह सकते। ये कपड़ा है, इसके बनाने वाले को साने तो कह सकते हैं, खालिक नहीं कह सकते, हालांकि मतलब दोनों को बनाने वाला ही है, लेकिन अरबी में जाकर एक फर्क पड़ता है। साने उसको कहते हैं जो मटेरियल से चीजें बनाए, और खालिक उसको कहते हैं जो बगैर मटेरियल के सब कुछ बनाते, कुछ भी ना हो सब कुछ बनाते, मिट्टी का एक ढेला नहीं और जमीन बिछा दी, रेत का एक जर्रा नहीं सहरा बना दिया, पानी का एक कतरा नहीं और समंदर बना दिए, बादल का एक टुकड़ा नहीं और तुम्हारे बर्तानिया से बादल हटता ही कोई नहीं, हवा का एक झोंका नहीं और 500 मील का हवा का गिलाफ बना दिया, सूरज का कहीं वजूद नहीं और अपने अमर से सूरज बना दिया, उसमें आग को भर दिया, आग का वजूद नहीं उसमें आग को भर दिया, लकड़ी में आग को भर दिया, एक सेकंड में सूरज के अंदर जो धमाके, हर सेकंड में सूरज में धमाके होते हैं, हर सेकंड में धमाके होते हैं, एक धमाका जो सूरज बनता है 50 करोड़ एटम बम के फटने के बराबर उसमें एनर्जी पैदा होती है एक सेकंड में। यूं बना दिया, सूरज से सूरज नहीं बनाया, डायरेक्ट बनाया, शेर से शेर नहीं बनाया, क्या शक्लें हैं जानवरों की, परिंदों की, चौपाइयों की, मछलियों की, कितनी शक्लें, हर शक्ल अल्लाह ने, कोई डिजाइन नहीं था सामने कि वहां से देखा और आदम का पुतला बना दिया, इधर शेर पड़ा था उसको देख के शेर बना दिया, इधर बिल्ली बैठी थी उसको देख के बिल्ली बना दी, अल खालिक, कुछ ना हो और सब कुछ बना दे उसे कहते हैं खालिक। फिर अल्लाह का एक नाम है बार को, अल्लाह ये बताता है कि इस कायनात का बनाने वाला एक है, वो अल्लाह है और वो खालिक है। इसलिए अल्लाह ने अपना तारुफ कराया, कौन है रब, कौन है भाई, तो अल्लाह कहता मैं ही बता देता हूं मैं कौन हूं, इन रब्बकुमुल्लाह, मैं तुम्हारा पालने वाला, मैं कौन हूं, मेरा नाम है अल्लाह। एक बात कहूं, खुदा ना कहा करो, अल्लाह कहा करो, ये कोई मना नहीं है, ये कोई मैं फतवा नहीं दे रहा हूं कि ये मना है, जायज नहीं, जायज है, लेकिन अल्लाह का तर्जमा सिर्फ अल्लाह है और कोई लफ्ज नहीं, जैसे गॉड, जैसे भगवान, जैसे ईश्वर, जैसे देवता, जैसे अवतार, जैसे यजदा, ये सारे अल्फाज हैं तर्जमानी के लिए इंसानों के बनाए हुए, इसी तरह एक लफ्ज है खुदा इंसानों का बनाया हुआ, खुद इनमें से कोई लफ्ज अल्लाह की पूरी तर्जमानी नहीं करता, अल्लाह का तर्जमा सिर्फ अल्लाह से होता है, तो खुदा ना कहा करो, अल्लाह कहा, अल्लाह ने जो अपना नाम रखा है वही बोलो। इस लफ्ज में एक अजब खासियत है जो किसी में नहीं है, किसी लफ्ज का हर्फ निकालो तो मतलब बदल जाता है, जैसे मेरा नाम तारिक है रात को आने वाला, आज तो मैं रात को ही आया हूं, पहले तो असर के बाद आता था, आज रात को आया हूं, ठीक है, इसका तुम पहला लफ्ज हटा दो, ता हटा दो, हर्फ हटा दो, तो ये बन जाएगा अरे बेकरार रहने वाला, इसका अलिफ हटा दो तो ये बन जाएगा तरफ पर खटखटाने वाला, इसका काफ हटा दो जो बन जाएगा तारा छा जाने वाला, जमील खूबसूरत, जीम हटा दो तो मैल बन गया या मील बन गया, मीम हटा दो तो जेल बन गया, या हटा दो तो जमल बन गया ऊंट। ये मैं आपको अपने नाम से मिसाल दे रहा हूं कि लफ्ज में से जब हर्फ निकलता है तो लफ्ज डोल जाता है और मतलब कहीं का कहीं चला जाता है,
एक अल्लाह ऐसा लफ्ज है जिसमें से जो मर्जी निकाल लो वो अल्लाह ही रहता है। अब ये अल्लाह है, ये अलिफ, ये दो लाम, ये हा, मैंने ये अलिफ हटा दिया तो पीछे रह गया लिल्ला, लिल्ला, ठीक। तो कुरान कहता है लिल्लाह मा फिस समावात व मा फिल अर्ज, तो अलिफ हटाने से भी अल्लाह ही रहा, ठीक। अब मैंने ये लाम हटा दिया, पीछे रह गया लहू, तो कुरान कहता है लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्ज, ठीक हो। अब मैंने ये लाम, इधर वाला लाम हटा दिया तो पीछे बच गया इलाह, तो कुरान कहता है वह वल्लज़ी फिस समाए इलाहुन व फिल अर्ज इलाह, ठीक हो गया। अब मैं ये अलिफ भी हटा देता हूँ, ये लाम भी हटा देता हूँ, ये लाम भी हटा देता हूँ, ये हा हटा के उसकी खाली पेश की आवाज को बाकी रखता हूँ, मुंह को, तो कुरान कहता है अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू। ये अजब लफ्ज है, हू कहो तो भी अल्लाह, लहू कहो तो भी अल्लाह, इलाह कहो तो भी अल्लाह, और लिल्ला कहो तो भी अल्लाह, और अल्लाह तो अल्लाह ही है। अल्लाह से दोस्ती लगाओ, पौन से दोस्ती ना लगाओ, अल्लाह से लगाओ। जिस चीज को छोड़ के जाना है उससे क्या दोस्ती लगा। यही छोड़ के चले जाते हैं। दुनिया का बहुत बड़ा फातह सिकंदर, सिकंदर द ग्रेट, उसको सिकंदर आजम का जो टाइटल दिया उसके चमचों ने नहीं दिया, उस तारीख ने दिया। हमारे तो मुल्क में टाइटल चमचे दे रहे थे। एक दफा परवेज अलाई साहब वजीर आला बने तो मुझे कहा मुझे कोई नसीहत करो, मैंने कहा खुश आमदियों से बचना, एक मशुरा करके चलना। दो नसीहत, 6 महीने गुजरे तो सारे पाकिस्तान में चाकुंग हो गई, वक्त का सर सैयद परवेज अलाई, जितनी मिट्टी पलीत सर सैयद की आज भी है शायद ही कभी होगी, कहां सर सैयद कहां पर वेजिल है, कहां मुसलमानों का मोहसिन। तो उसको तारीख ने लकब दिया सिकंदर आजम, तो 300 साल तो जिंदा रहता, चलो जो आम उम्र है 60-70 साल तो जिंदा रहता, 33 साल की उम्र, 13 जून 353 BC कबल मसीह मुल्क दुनिया फतह करने निकला है और फातिहाना वापस जा रहा है, और जहां तक फतह किया हमारे टेक्सला तक पहुंचा था, आगे लश्कर इनकारी हो गया, वो तो चाहता था और भी आगे जाऊं, तो सारे खजाने साथ हैं, और इराक पहुंचा, इराक से तुर्की में एंटर होना है और तुर्की से मकदूनिया, थोड़ा फासला बाकी रह गया। तो बाबर उस वक्त इराक का मशहूर शहर था, वहां अल्लाह ने पकड़ा, और कोई बड़ी बीमारी भी नहीं हुई, मलेरिया बुखार, मलेरिया, तो मौत ने जो झटका दिया तो उसकी हसरत भरी फरियाद सुनो जो तारीख ने महफूज कर ली, कोई है, कोई है, कोई है जो मुझसे मेरे सारे खजाने ले ले और मुझे घर पहुंचने तक की जिंदगी दे, मैं घर में मरना चाहता हूँ, यहाँ नहीं मरना चाहता, मकदूनिया करीब है, तुर्की तुर्की से मकदूनिया साथ जुड़ो, मैं मकदूनिया मरना चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह ने वही मारा, ये बताया कि ग्रेट सिर्फ अल्लाह है, आजम सिर्फ अल्लाह है, बाकी सब छोटे हैं, बड़ा सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह अकबर वो है ही अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ सबसे बड़ा। अल्लाह की बड़ाई ये नहीं कि जमीन छोटी अल्लाह बड़ा, ये तो ऐसे ही हमारी नमकाना बातें, मखलूक और खालिक में तो कोई निस्बत हो ही नहीं सकती। दरिया छोटा समंदर बड़ा तो ठीक है कि ये भी मखलूक वो भी मखलूक, लेकिन खालिक और मखलूक में तो कोई निस्बत है ही नहीं कि आसमान छोटे अल्लाह बड़ा, जमीन छोटी अल्लाह बड़ा। ये जमीन आसमान तो क्या हैसियत है, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह
جب تو نے زمین آسمان سے کہا تھا میری مانو ایتیا طوعن او کرحن, انہوں نے کہا ہم نے مان لیا, اگر یہ نہ مانتے تو پھر کیا کرتا؟ تو اللہ نے کہا ایک جانور چھوڑتا ساتوں زمین آسمان نگل جاتا. زمین آسمان کیا چیز؟ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے وہ جانور کدھر ہے؟ کہ میری چراگاہ میں ہے. کہ وہ چراگاہ کدھر ہے؟ کہ وہ میرے علم میں ہے. تو اللہ یہ ذہن دیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے, اور وہ کیا ہے؟ سب سے خوبصورت اللہ کا تعارف قرآن میں مختصر الفاظ میں, تمہارا رب اللہ کون؟ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. اب خالق کو نہ بتا رہا ہے جس نے چھ دن میں زمین آسمان بنائے. تم مستوی علی العرش, عرش پہ استوا کیا, یغشی اللیل النہار, دن رات کا نظام بنایا, یطلبہ حثیثا, دن آگے رات پیچھے, الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ, سورج بھی تابے, چاند بھی تابے, ستارے بھی تابے, الا له الخلق. سنو وہی خالق ہے, والامر وہی حاکم ہے. فتبارک اللہ رب العالمین, برکت والا رب العالمین. قرآن ذہن بناتا ہے کہ اللہ اس کائنات کا مالک اور خالق اور اکیلا. ایک دفعہ قریش مذاقن کہنے لگے کہ اپنے رب کا عطا پتا تو بتا کیسا ہے, کیسا ہے؟ کوئی باپ دادا, کوئی بیٹا پوتا, کوئی بیوی بچے, کیسا ہے؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتاری, جبریل آیا, 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک ہوتا ہے واحد, ایک ہوتا ہے احد. واحد ہمارے لیے تو کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا, اکیلا احد اکیلا, واحد اکیلا احد اکیلا. واحد اسے کہتے ہیں جس کا شریک کوئی نہ ہو. میں کہہ سکتا ہوں اس ویسٹ کوٹ کا میں واحد مالک ہوں, اس میں اور میرا کوئی شریک نہیں, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا اس ویسٹ کوٹ کا میں احد مالک ہوں. احد کسے کہتے ہیں؟ سوچنا چاہو تو سوچ نہ سکو, اسے کہتے ہیں احد. دیکھنا چاہو تو دیکھ نہ پاؤ, اسے کہتے ہیں احد. تصور میں لانا چاہو تو لا نہ سکو, اسے کہتے ہیں احد. اس کے بارے میں اپنے خیالات کی سواریاں تھکا دو بھگا بھگا کے, وہ تمہارے خیالات کی پکڑ میں نہ آ سکے, اسے کہتے ہیں احد. جس کو سمجھنا چاہو تو تمہاری سمجھ سے بالا تر ہو, اسے کہتے ہیں احد. جس جیسا ہو ہی کوئی نہ, اسے کہتے ہیں احد. جس کا مثل ڈھونڈنا چاہو تو پا نہ سکو, اسے کہتے ہیں احد. جس جیسا دیکھنا چاہو تو دیکھ نہ سکو, اسے کہتے ہیں احد. جس جیسا سوچنا چاہو تو سوچ نہ سکو, اسے کہتے ہیں احد. جس جیسے کا تصور کرنا چاہو تو تصور نہ کر سکو, اسے کہتے ہیں احد. جو الفاظ کے جامع میں سما نہ سکے, جو خیالات کی دنیا میں آ نہ سکے, جو زمان و مکان میں سما نہ سکے, جو کون و مکان میں آ نہ سکے, جو اتنا دور ہو کہ نظر سے بھی آگے اور خیال سے بھی آگے, اور اتنا دور ہونے کے بعد اتنا قریب ہو کہ شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہو جائے, وہ احد ہوتا ہے. احد, قل هو اللہ احد. برمنگم والوں کو بتاؤ کہ زمین آسمان کا ایک مالک ہے, وہ اللہ ہے. کیا اس کے ساتھ کوئی اور ہے؟ نہیں, احد احد. اس لیے جب بلال کو کوڑے پڑتے تھے تو کہتے تھے احد احد, اور مارو احد احد. اس زبان سے احد نکلے گا. کیسا ہے؟ اللہ الصمد, کسی کا محتاج نہیں, سب اس کے محتاج ہیں. کیسا ہے؟ لم یلد ولم یولد, نہ ماں باپ نہ بیوی بچے. کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اس جیسا ہو تو سوچ سکتا.